नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश। और दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं, जो आपका दिल छूलेगी। दोस्तों, माँ की ममता का कोई मूल्य नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की माँ होती है वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उनकी किस्मत कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ती है और दुनिया की सबसे कीमती चीज माँ का आशीर्वाद होता है। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। दोस्तों, अगर माँ को कुछ हो जाए तो मानो हमारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। आज मैं आप सभी से एक ऐसी सत्य घटना शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें इस भक्त की माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करे कि माँ की तबीयत जल्द ठीक हो जाए। दोस्तों, कहते हैं ना, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, और वो है ईश्वर की शरण में जाना। बस ऐसा ही इस भक्त ने श्री हनुमान जी की शरण में जाकर किया, और इसका परिणाम देखकर आप खुद चौप ने भी श्री हनुमान जी की कृपा या चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jaishwaghela85@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप कुछ मिस न कर दें। मेरा नाम सत्यम सिंह है और मेरी उम्र 17 साल की है। वैसा तो मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, पर हमारा गांव यूपी में है। वैसे तो हमारे गांव में और यहाँ भी मेरे सभी परिवार वाले श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं। खासकर मेरे पापा श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और बचपन से ही उन्हें देखकर मैं भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ये बात 19 दिसंबर 2019 की है। मेरी मम्मी को तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बहुत कमजोरी आ गई थी। हॉस्पिटल में सारे टेस्ट हुए और सारे टेस्ट नॉर्मल आए। कुछ दिन सब ठीक चला, तभी 31 दिसंबर 2019 की शाम से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई और मेरी मम्मी ने खाना पीना बंद कर दिया। हालत बहुत खराब हो गई, बहुत तेज बुखार आया था। फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। 4 जनवरी 2020 की रात को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये केस उनके बस का नहीं है, और कहा कि आप इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। हम सब निराश होकर मुंबई के KEM हॉस्पिटल में रात को मम्मी को लेकर गए और वहां एडमिट कराया। मेरी मम्मी की हालत देखकर वहां के डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। वो बोले कि हाई डिग्री इन्फेक्शन फीवर है, अगर फीवर ठीक हुआ तो ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पहुंचने के बाद खाना न खाने की वजह से हालत और खराब होती जा रही थी, इसलिए नाक के जरिए पाइप लगा के जूस वगैरह देने लगे। फिर कुछ दिनों बाद तबीयत बहुत बिगड़ गई। बुखार पहले तो कंट्रोल हुआ था, मगर बाद में फिर से हालत और गंभीर हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। रात के करीब 11:30 बजे थे, मैं और मेरे पापा हॉस्पिटल से घर के लिए निकले। हॉस्पिटल से हमारा घर करीब 30 मिनट की दूरी पर था। लोकल ट्रेन से घर पहुंचने पर मैं मेरे पापा को पकड़कर बहुत रोया, यहां तक कि मैं हॉस्पिटल में भी रो रहा था। फिर अगले दिन सुबह मेरे पापा 6 बजे हॉस्पिटल के लिए निकल गए और मैं भी नहा कर जाने ही वाला था। तभी मैंने सोचा कि पूजा कर लेता हूँ, और मुझे याद आया कि जब परेशानी बढ़ जाए और कुछ समझ नहीं आए तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मैंने पूजा करते समय श्री हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा, हे पवन पुत्र, अब आप ही हैं जो हमें इस संकट से निकाल सकते हैं, बस मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फिर मैंने श्री हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ भी किया और फिर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकला। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि गांव से मेरी मौसी जी आई हुई थी, और जब मैंने मेरी मम्मी की तरफ देखा तो एक बार के लिए मैं चौंक गया, मगर साथ ही इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी मम्मी अच्छे से बैठ कर मेरी मौसी से बात कर रही थी। पहले तो वो कमजोरी के कारण बैठ भी नहीं पाती थी, पर उस दिन पता नहीं कैसे पर बैठकर बातें कर रही थी। और इसके अगले दिन नाक से पाइप भी निकाल दी गई और मेरी मम्मी खाना भी खाने लगी, और 20 तारीख को डिस्चार्ज भी हो गया। आज वो बिल्कुल ठीक है। अब आप ही बताइए कि ये चमत्कार नहीं तो क्या है। जहां एक तरफ बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था,
मेरे बुरे समय में श्री हनुमान जी ने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने मेरी मम्मी को नया जीवन दान दिया है। तो दोस्तों, देखा आपने श्री हनुमान जी की भक्ति में कितनी ताकत है, जिन्होंने एक और असंभव कार्य को संभव किया। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपका दिमाग ब्लॉक हो चुका है, तो कुछ मत करिए। बस आप श्री हनुमान जी की शरण में जाकर उनकी निस्वार्थ भाव से भक्ति करिए, फिर देखना आपके सारे रास्ते कैसे खुल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।